अब अंतरिक्ष में होगा भारतीय स्टार्टअप्स का दबदबा। इसरो ने पहली बार की प्राइवेट सैटेलाइट टेस्टिंग। इसरो ने 50 साल के इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला है। भारतीय स्टार्टअप्स के दो सैटेलाइट स्पेस किड्स इंडिया और पिक्सेल की यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में टेस्टिंग की गई है। इसरो ने अब तक केवल उपग्रहों और रॉकेट्स के कुछ पार्ट्स को बनाने में ही कंपनियों की मदद की थी, लेकिन पिछले साल जून में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने के बाद अब अंतरिक्ष में भारत के स्टार्टअप्स के रास्ते बुलंद होने वाले हैं। फिलहाल इसरो ने केवल दो सैटेलाइट के लिए परमिशन दी है जो टेस्टिंग हुई है। इनमें से एक निजी कंपनी का सैटेलाइट है, दूसरी स्टूडेंट्स की है। भारत सरकार ने खोले अंतरिक्ष के द्वार। पिछले साल जून में भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया था। इसके लिए एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी आईएन स्पेस की स्थापना की गई और इसके ठीक 8 महीने बाद इसरो कॉमर्शियल सैटेलाइट को इस महीने के आखिर में पीएसएलवी मिशन में लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये पहला मिशन होगा जब किसी भारतीय स्टार्टअप के सैटेलाइट को व्यावसायिक रूप से इसरो लॉन्च करेगा। स्पेस किड्स इंडिया के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया एक उपग्रह है। इसरो द्वारा जनवरी 2019 में एक प्रयोग के रूप में पीएसएलवी के तीसरे चरण का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, जो आमतौर पर बेकार हो जाता है। इसरो ने यूनिटी सेट की भी जांच की थी, उसके सेपरेशन सिस्टम में दिक्कत थी जिसे इसरो साइंटिस्ट ने ठीक कर दिया है। यूनिटी सेट को श्री पेरम्बदूर स्थित जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नागपुर के जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और कोयम्बटूर के श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने बनाया है। पीएसएलवी C-51 मिशन एक अमेरिकी उपग्रह अमोनिया 1 को न्यू स्पेस इंडिया की कॉमर्शियल व्यवस्था के तहत ले जाएगा। ये इसरो की एक कॉमर्शियल शाखा है। इसके अलावा प्रक्षेपण यान 20 उपग्रहों को भी साथ ले जाएगा। इनमें इसरो का एक नैनो सैटेलाइट भी शामिल है। इसरो के संपर्क में है कई स्टार्टअप। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी सुविधाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उठाएं और इसके लिए हम सार्थक कदम उठाने का फैसला कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि कंपनियां टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ आएं ताकि हमें भी इसका लाभ मिले। इससे देश को भी बड़ा फायदा पहुंचेगा और वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बनेगी। डॉक्टर के सिवन ने कहा कि उनका लक्ष्य स्पेस एक्टिविटी का केंद्र बनाने का है और जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिल जाएगी। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने कहा कि हम निजी कंपनियों के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। तकनीक के माध्यम से हम खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश का नाम वैश्विक स्तर पर ऊपर उठेगा। हम दुनिया में स्पेस एक्टिविटी का केंद्र बनना चाहते हैं। इसरो चीफ ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में दो प्राइवेट कंपनियां श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस पोर्ट और तिरुवनंतपुरम स्थित रॉकेट सेंटर पर अपने इंजन की जांच करेंगे। इनमें से एक चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस को तिरुवनंतपुरम स्थित रॉकेट सेंटर पर और हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस को श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस पोर्ट पर अपने इंजन की जांच करने की अनुमति दी गई है। साथ ही इसरो मैप माई इंडिया को भी सैटेलाइट इमेजेस देगी, जो डिजिटल मैप बनाती है और जीआईएस सर्विस देती है। मैप माई इंडिया इसरो से हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मांग रही है। सिवन ने बताया कि ऐसे 26 प्रपोजल इसरो के पास पड़े हैं जिनकी वो लोग जांच कर रहे हैं। इन प्रपोजल्स में अमेरिका स्थित अमेज़न वेब सर्विसेज और भारतीय ग्रुप के सपोर्ट से चलने वाली यूके स्थित वन वेब के प्रस्ताव भी आए हैं। उनकी जांच इंटरनेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर कर रहा है।